ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिहार के दरभंगा की है, जहां समय के साथ साथ बाढ़ की स्थिति और खराब होती जा रही है। बाढ़ का पानी रोज नए इलाके में प्रवेश कर रहा है। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर इलाके में तेजी के साथ बाढ़ का पानी फैलने लगा है। गांव की मुख्य सड़कों पर पानी की तेज धार बह रही है। लोग जान को जोखिम में डालकर तेज पानी के बहाव में लाठी डंडे और बांस के सहारे आ जा रहे हैं। इन्हीं रास्ते से ग्रामीण अपनी जरूरत के सामान भी ला रहे हैं। लाल बाढ़ जो आया है तो यहाँ नरला चिरमारा सोनहान ये मुख्य मार्ग जो है ये बाधित है, और ये गोसाई भूमि से जो पानी आता है ये छरकी नहीं बढ़ाने के चलते बाढ़ फ्लड कंट्रोल से बरही से लेकर के डी तक पूरा बांध बनना चाहिए फ्लड कंट्रोल से। कितने घर पानी से घिर गए हैं यहाँ नरला फकीरना चिरमारा सोनहान, करीब करीब पूरे पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। और यह गोसाई भूम का बांध जब तक फ्लड कंट्रोल से नहीं बना पूरा बनाएगा तब तक ये बार बार हर साल का समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर साल जो आती है बाढ़ उसके लिए बाढ़ फ्लड कंट्रोल से गोसाई भूम का बांध कम से कम बढ़ाई तक बने जो ये सुरक्षित रहे। बाढ़ से दूर दराज गाँव का हाल और बेहाल है। दरभंगा के किरतपुर और जमालपुर इलाके के गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। लोग कमर तक पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। हालात बिगड़ने के बाद सरकार नींद से जागी तो बाढ़ पीड़ित के लिए कई जगहों पर कम्युनिटी किचन शुरू किया गया। हालांकि मदद की आस लगाए ग्रामीणों को अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की ठोस मदद प्राप्त नहीं हुई है। विस्थापित परिवारों को सबसे पहले मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। भोजन अभी से बनना शुरू हो गया है, बन रहा है भोजन, भोजन मिलेगा जी। इन लोगों को तत्काल हम पॉलिथीन सीट देते हैं और इसके अलावा यदि कोई प्रावधान होगा तो वो सुविधाएं भी दी जाएगी। अभी तक कितने जगह सर किचन कम्युनिटी चल रहा है पूरा प्रखंड में? कम्युनिटी किचन कल तक दो ही चल रहा था, कल मैंने 13 कम्युनिटी किचन बढ़ाया है जी। इसमें आपके जमालपुर में 3 कम्युनिटी किचन हो गया है जी, और बाकी अभी मैं खुद अपने से सुपरवाइज कर रहा हूँ घूम करके, और जहाँ भी जरूरत है कम्युनिटी किचन और भी चलाए जाएंगे। बिहार में दिन प्रतिदिन बाढ़ का आतंक बढ़ता जा रहा है। लगातार हालात बिगड़ते देख दरभंगा के जिला अधिकारी त्यागराजन ने भी कई जगहों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए कई आदेश भी दिए हैं, मगर इसके बावजूद भी लोगों को प्रशासन की ओर से कोई खासा सहायता प्रदान नहीं हुई है।